हे गाइस, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फोकसिंग ऑन योर स्टडी। तो दोस्तों, ये आज 16 मई का टारगेट है और इस टारगेट के अंदर सिर्फ प्री पर फोकस किया गया है। तो ये इसमें मैं आपको सिर्फ प्री का टारगेट प्रोवाइड करने वाला हूँ आज, और नेक्स्ट 30 डेज तक हम प्री पर फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि जून में एग्जाम हो सकता है एसबीआई क्लर्क का। हम जून ही मान के चल रहे हैं क्योंकि टेंटेटिव डेट जो है वो जून ही दे रखी है, जून मंथ ही दिया हुआ है। तो हम 30 डेज तक अपना प्री पर फोकस करेंगे, मोस्टली हमारा प्री पर फोकस रहेगा और प्री के मॉक टेस्ट पर फोकस रहेगा। और हर दो दिन के बाद प्री और मेंस दोनों का शेड्यूल दिया करूंगा, क्योंकि हमें मेंस की भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो हम 2 दिन के बाद मेंस के कंटेंट की भी प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखेंगे। तो आज आपको प्री में प्रैक्टिस क्या क्या करनी है, देखिए। क्वांट के अंदर हमें देने हैं 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे हम क्वांट को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिकल टाइमिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे कि ये टारगेट कंप्लीट ही नहीं हो पाता है टाइम के अकॉर्डिंग, 1 घंटे में कंप्लीट ही नहीं होता है। तो देखते हैं, आज प्रैक्टिकल टाइमिंग में आपको बताता हूँ कि कैसे नहीं होता है, आराम से हो जाता है और टाइम सेव भी हो सकता है। 1.5 आवर्स मैक्सिमम मैंने आपको बताए, आराम से उससे पहले भी ये टारगेट कंप्लीट हो सकता है। जो बच्चे 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए, अगर आप अभी 10-15 दिन पहले उठ के बैंकिंग की तैयारी करने आए हैं तो आप भूल जाइए कि आप ये 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। जो बच्चे आराम से 3 से 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है, वो आराम से इतने टाइम के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप न्यू हैं तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट सीखिए और बाद में आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिएगा यही शेड्यूल फॉलो करके। तो देखिए, क्वांट में हम आज क्या क्या करेंगे। 6 सेट डीआई के लगाएंगे, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लगाएंगे, 10 क्वेश्चन ही क्वाड्रेटिक के, 20 क्वेश्चन रॉन्ग एंड मिसिंग नंबर के सीरीज के लगाएंगे, जिसमें 10 मिसिंग के होंगे और 10 रॉन्ग के होंगे, और 15 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे अर्थमेटिक के, जिसमें हम 2 टॉपिक करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड स्पीड। तो ये 2 टॉपिक के 7, 7, 8, 8 क्वेश्चन हम लगाएंगे आज। अब देखिए, प्रैक्टिकल टाइमिंग की मैं आपको बताता हूँ कैसे ये टारगेट टाइम के अकॉर्डिंग ही पूरा हो सकता है। आप अगर बिगनर हैं या 2-3 महीने से पहले से आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप एक प्री लेवल की डीआई 5 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। 5 मिनट में आप एक प्री लेवल की डीआई सॉल्व कर लेते होंगे आराम से, जो कि हो जाती है, आराम से हो जाएगी। एक कोई 2-3 महीने से जो प्रैक्टिस कर रहा है वो बंदा आराम से सॉल्व कर लेगा। तो 6 डीआई 30 मिनट ले लेंगी। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के वैसे तो 3 से 4 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आप 6 मिनट लेते हैं, आप 6 मिनट लेते हैं 10 क्वेश्चन करने में। 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के 6 मिनट आप ले लेते हैं आराम से, और ये रॉन्ग एंड मिसिंग नंबर सीरीज करने में, जो कि टाइम लेती है, मैं मानता हूँ आराम से टाइम ले सकते हैं ये, जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी वो ये टाइम लेती है, मान के चलिए आप इनको 12 मिनट लगा लेते हैं 20 नंबर सीरीज सॉल्व करने में। अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप ये 15 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। ये मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता के चल रहा हूँ दोस्तों, ये मिनिमम जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो इनसे भी कम टाइम लेते हैं। एक डीआई को 5 मिनट तो नहीं, 2 से 3 मिनट में ही सॉल्व करते हैं प्री लेवल की, क्योंकि कुछ नहीं होता प्री लेवल की डीआई में, प्लस माइनस ही करना होता है बस। तो अब आप लगा लीजिए इन टाइम को, कंपाइल कर लीजिए कितना मिनट, कितने 1.5 घंटे में आराम से ये टारगेट हो जाएगा। 6 मिनट 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट, 24 प्लस 20 44 मिनट्स, और ये 30 मिनट्स, यानी 74 मिनट्स टोटल आपको लग रहे हैं इस टारगेट को कंप्लीट करने में, अगर आप फोकस से करते हैं तो 74 मिनट्स। आप देख लीजिए 1.5 घंटे से भी कम ही हो रहा है, 1 घंटा 14 मिनट हो गए, तो आप आराम से टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं 1.5 घंटे के अंदर, ये पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों, रीजनिंग के अंदर देखते हैं, रीजनिंग की भी हम 1.5 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 10 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन सिलॉजिज्म के, 10 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के, 1 सेट ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस करेंगे, 1 सेट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का और 1 ही सेट कोडिंग डिकोडिंग का। ये क्वेश्चन आज आपको रीजनिंग में प्रैक्टिस करने हैं। अब इसकी भी प्रैक्टिकल टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो ये 1.5 घंटे से पहले ही टारगेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों की, अगेन मैं वही कहूंगा, जो 2-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये टाइमिंग
के अंदर वो अपना ये टारगेट पूरा कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे अभी 10 दिन से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, प्लीज आप ये टारगेट फॉलो मत करिए अभी। अभी आप अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिए, 2 ढाई महीने प्रैक्टिस बाद में करिएगा, आप अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, आप चीजों को सीखिए पहले। तो देखिए 10 पजल आप कितनी देर में सॉल्व कर लेंगे, मैं मान के चल रहा हूं एक पजल में आप 5 मिनट दे देते हैं, चलिए 5 मिनट मैक्सिमम लगा रहे हैं आप एक पजल के सॉल्व करने के लिए प्री की, वैसे 3 मिनट ही लगते हैं मैक्सिमम, 3 मिनट ही लगते हैं बस। तो आप कितनी देर में कर लेंगे, 50 मिनट्स के अंदर ये पजल सॉल्व कर लेंगे। सिलॉजिज्म के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में हद से 2 से 3 मिनट लगते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो, चलिए मान के चलिए 5 मिनट लगा लेते हैं आप इसको सॉल्व करने में। इनइक्वालिटी के 5 मिनट लगा लीजिए, एक ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसके भी चलिए 5 मिनट लगा लीजिए आप। एक अल्फा सेट को सॉल्व करने में 5 मिनट इसके ले लीजिए, वैसे 1-2 मिनट का ही खेल है ये बस। कोडिंग डिकोडिंग के 5 मिनट ले लीजिए, कंपाइल कर लीजिए 5 25 मिनट्स, 50+25 75 मिनट, 75 मिनट्स रीजनिंग के अंदर ये टारगेट कंप्लीट हो रहा है आराम से। देखिए 1.5 आवर से कम ही लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस है वो आराम से कर लेंगे, और जिनकी नहीं भी है दो बट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 2-3 महीने से, आपको चीजें पता है तो आप तब भी कर लेंगे। देखिए इंग्लिश में आपको फिर से 1.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 2 RC करने हैं, 10 क्वेश्चन एक्शन के करेंगे आज हम, 10 क्वेश्चन फिलर के, 10 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, 1 सेट क्लोज टेस्ट का, 1 सेट पैराजम्बल का। अब इसकी प्रैक्टिकल टाइमिंग देखते हैं, 2 RC मान लीजिए, अब 1 RC में 10 मिनट ले लेते हैं मैक्सिमम, प्री लेवल का RC, तो प्री लेवल के RC में आप 10 मिनट ले रहे हैं एक को करने में, तो आपको 20 मिनट लग जाएंगे। 10 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के करने में आप मान के चलिए 10 मिनट ले रहे हैं, चलिए 10 मिनट तो बहुत है, सिर्फ पढ़ के और एरर डिटेक्शन ही तो फाइंड करनी होती है, अगर मिल गई ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन देखिए बस। यहाँ पे फिलर्स के क्वेश्चन करने में भी 10 मिनट से ले लीजिए आप, 10 क्वेश्चन 10 मिनट यहाँ पे ले लीजिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, एक क्लोज टेस्ट को करने के लिए 10 मिनट बहुत होते हैं, एक पैरा जंबल बनाने के लिए 10 से, अगर आपको पैरा जंबल अच्छे से आता है तो आप बहुत कम टाइम लेंगे 5 से 6 मिनट, और नहीं भी आता है तो 10 to 15 मिनट ले लीजिए। अब इन टाइमिंग्स को लगा लीजिए, 20 10 10 10 और 10 40+20 60 और 10 to 15, यहाँ पे भी वही 75 मिनट्स। तो अप्रॉक्सीमेट 1.5 आवर्स में जब आप ब्रेक ले लेके करेंगे तो 1.5 घंटे में अपना ये टारगेट आराम से पूरा कर सकते हैं। फिर देखिए हमने दोस्तों GA तो डेली प्रिपेयर करना है, GA 16 में का आज प्रिपेयर करेंगे 1 घंटे, और आज एक मॉक टेस्ट लगाना है। 30 डेज के अंदर हम 20 मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, डेली हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, मॉक टेस्ट 1 दिन देंगे और 1 दिन हम उसका एनालाइज करेंगे, और जब हमारे लास्ट के डेज बचेंगे तब हम डेली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। लाइक जब लास्ट के 10 डेज बचेंगे या 5 डेज 6 डेज बचेंगे तब उन डेज के अंदर हम डेली मॉक टेस्ट देंगे। तो दोस्तों ये शेड्यूल था, प्रैक्टिकल टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी है किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल टाइमिंग के अंदर ये टारगेट पूरा किया जा सकता है। तो आप फोकस रहकर अगर स्टडी करते हैं तो आराम से ये टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं, और इन सब का सोर्स दोस्तों मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप चैनल पर वीडियोस पढ़ी हैं काफी, बहुत बच्चे कहते हैं कि ये आप प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं, तो चैनल पर वीडियोस हैं आप देखिए जरूर उनको, सारी सोर्स मैंने बता दी हैं, सारी स्ट्रेटेजी भी मैंने बता दी है, स्ट्रेटेजीज की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उन प्लेलिस्ट को देखिए आपको काफी फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए आप आज का टारगेट कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए, थैंक यू सो मच।